हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 के लिए है। साइंस की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन देखिए, अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ा था पिछली बार होमोजेनस मिक्सचर का। आई हैव प्रिपेयर्ड, देखिए जिज्ञासा क्या कहते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन द वाटर कैपिंग जार। देखिए सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, तो क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है ना सॉइल के, वो मिक्स तो हो रहे हैं वाटर में, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो देखो सेटल डाउन होगा नीचे, होगा कि नहीं। मिट्टी जो है सेटल डाउन हो जाती है, आप रेत वगैरह को देखिए मिला के पानी में, तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी मिक्सचर इस तरह का नजर आए वो सोल्यूशन नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। अगर वो थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल डाउन होता है तो उसको सोल्यूशन नहीं, उसको सस्पेंशन कहते हैं। इन दिस मिक्सचर जो सोल्यूट है यानी कि सॉइल, उसके पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में, ठीक है, और वो सस्पेंड रहते हैं मिक्सचर के अंदर। सस्पेंड मतलब यहाँ वहां 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 इस तरह से अलग अलग, और कुछ सेटल डाउन रहते हैं। ये पार्टिकल कैन इजिली बी सीन विद नेक्ड आई, आप इनको नेक्ड आई से आराम से देख सकते हो कि नीचे मिट्टी दिखेगी या रेत दिखेगा पानी के अंदर। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों, नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब कहीं पे ज्यादा अमाउंट, कहीं पे कम अमाउंट, और नीचे देखेंगे तो ज्यादा सेटल डाउन हो जाते हैं सोल्यूट यानी कि उसके पार्टिकल, ठीक है। और इसको हम जो सोल्यूट है उसको सॉल्वेंट में से अलग भी कर सकते हैं, फिल्टर प्रोसेस के द्वारा बड़े आराम से अलग किया जा सकता है छान कर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक हेड्रोजीनियस मिक्सचर है और ये अनस्टेबल है। क्या है ये, अनस्टेबल है यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जब थोड़ी देर के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो वो नीचे बैठ जाते हैं, और इसके पार्टिकल के साइड इतने बिग होते हैं कि आप उनको देख सकते हैं, बहुत बिग मतलब नहीं, कहने का मतलब ये इतने बिग इतने दिखाई दे सकते हैं आपको नेक्ड आई से, सोल्यूशन में नहीं दिखाई दे रहे थे ना। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल है तो साइज भी बड़ा है, तो इतना होता है ना कि वो जो बीम ऑफ लाइट यानी लाइट उसमें से गुजरेगी तो उसको वो स्कैटर उसके रास्ते को विजिबल कर सकता है, ठीक है, लाइट को रास्ता दिखा सकता है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, यानी कि सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट आराम से आप देख सकते हैं। और इनको फिल्टर प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये चार प्रॉपर्टी है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। इस The path of light visible suspension में give reason. तो path of light, yes, the path of light is visible suspension में, because जो particle के size होते हैं वो इतने big तो होते हैं कि वो beam of light को scatter कर सकते हैं और उनमें से light का रास्ता हम देख सकते हैं। Question number second क्या कहता है, differentiate करना है suspension and solution के बीच में। तो solution यानी कि true solution क्या होता है, ये एक homogeneous mixture है पहला point, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है सस्पेंशन। दूसरा पॉइंट, अपीयरेंस इसका ट्रांसपेरेंट है यानी ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हो, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ओपेक अपीयरेंस है। पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके साइज इतने बड़े होते हैं कि आप उसको नेक्ड आई से खुली आंखों से देख सकते हैं। नाउ सोल्यूट जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी जो जैसे कि हमने नमक को मिलाया पानी में वो सेटल डाउन नहीं होते जब हम छोड़ते तो छोड़ दे ऐसे ही, लेकिन इसमें जो है पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर मिल गया सॉल्ट पानी के अंदर तो हम उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर सैंड अगर वाटर में मिला हुआ है तो उसको फिल्टर के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 के आंसर में देखते हैं, कह रहा है कि विच और अमंग द फॉलोइंग सस्पेंशन, इनमें से कौन सा सस्पेंशन है, फ्लोर और वाटर। खुद आप सोचिए कि वाटर में अगर हम आटा मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो क्या सस्पेंशन है, यस, जो सस्पेंशन है उसको हम सर्कल लगा लेते हैं। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट नहीं होता उस तरह से, ना ही उसको हम अलग कर सकते हैं ना, और ना ही वो उसका रास्ता मतलब उस तरह से है कि वो टिंडल इफेक्ट को शो करे, तो ये नहीं है। सैंड एंड वाटर, यस इट इज सस्पेंशन। टर्मरिक वाटर भी सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
थ्री प्रॉपर्टीज बता रही है, आपके सामने फोर प्रॉपर्टीज वो पढ़ाई थी, इनमें से तीन प्रॉपर्टी कोई सी भी बता सकते हैं। जैसे कि पहली है ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा इसके पार्टिकल इतने बड़े तो होते हैं कि आप निर्दय से देख सकते हो, और इसके पार्टिकल स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके तीन प्रॉपर्टी हमने बताई है। आप एक डिफरेंस बताइएगा सॉल्यूशन, ठीक है, में और सस्पेंशन के बीच में एक डिफरेंस, कुछ अलग अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब और शेयर कराना। टेक केयर, बाय बाय।